नमस्कार। डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इन दिनों सर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और इस तरह के मौसम में सर्दी खांसी जुकाम होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है और इस तरह के पेशेंट इन दिनों क्लिनिक में भी बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और स्पेशली खांसी के बारे में बात करेंगे। खांसी के लिए होम्योपैथी के अंदर में क्या बेस्ट मेडिसिन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, खांसी एक्चुअली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में यानी हमारे सांस की नली या गले के अंदर में कोई तरह की प्रॉब्लम या कुछ इन्फेक्शन हो गया हो तो हमारी बॉडी उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन देती है वही खांसी होती है। हमको कई कारणों से खांसी हो सकती है। कई बार इन्फेक्शन रहता है, कई बार एलर्जिक कंडीशन रहती है उसकी वजह से भी खांसी होने लग जाती है। कई कई बार तो इस तरह की खांसी बहुत ही ज्यादा क्रोनिक रहती है। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं क्लिनिक में बताते हैं कि 5 साल से खांसी आ रही है, 6-7 साल से खांसी आ रही है, तो वो क्रोनिक कफ कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली जो इस तरह के मौसम के अंदर में जो खांसी होती है उसी के बारे में बात करेंगे। इसमें भी 2 तरह की खांसी रहती है जिनको वेट कफ या ड्राई कफ बोला जाता है। वेट कफ यानी खांसी के साथ साथ म्यूकस का बाहर निकलना, मतलब हम जब खांस रहे उसके साथ साथ हमको बलगम भी बाहर आ रहा है। और अगर सिर्फ सूखी खांसी हो रही है, कोई म्यूकस या बलगम कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको हम ड्राई कफ बोलते हैं। तो इस तरह के मौसम में दोनों तरह की खांसी होती है और इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा खांसी आती रहती है जिसके कारण पेशेंट रेस्टलेस हो जाती है, मतलब उसको आराम नहीं मिलता है, वो परेशान हो जाता है, इस तरह की खांसी रहती है। इसके अलावा कई बार खांसी के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी सांस की नली, उसके अंदर में किसी तरह का इन्फेक्शन या फेफड़ों के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी वजह से हमको बार बार खांसी आती रहती है और इसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है। और गले में बहुत ज्यादा इरिटेशन रहने लगता है तो इसकी वजह से सोरनेस ऑफ थ्रोट भी रहता है, गले में खटखटाहट भी रहने लगती है। और कई बार खांसी इतनी ज्यादा तेज और कंटिन्यूस आती है कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक पाते हैं, तो उसमें बार बार खांसी करने की वजह से हमारे चेस्ट में दर्द भी होने लगता है। और कई बार देखते हैं कि खांसी करते करते खासकर बच्चों के फेस पूरा रेड हो जाता है, यानी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी वो अफेक्ट करने लगती है। तो इस तरह की खांसी को वूपिंग कफ भी बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं सर्दियों में होने वाली खांसी के। तो इन तरह की खांसी के लिए होम्योपैथी के अंदर में बहुत सारी मेडिसिन है और कुछ इफेक्टिव मेडिसिन है जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इस तरह की खांसी के लिए जो सबसे पहले नंबर पर मेडिसिन है वो है एकोनाइट 30। ये मेडिसिन अगर सर्दी खांसी जुकाम और उसके साथ साथ फीवर भी आ रहा है और स्पेशली ठंडी हवाओं के कारण में इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये मेडिसिन वैसे भी एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को अगर बड़े लेना चाहिए तो 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। और अगर 10 साल से छोटे बच्चों को खांसी हो रखी है तो उस कंडीशन में उसको ग्लोब्यूल्स के अंदर में मिला लीजिए और 4-4 ग्लोब्यूल्स करके दिन में 3 बार दीजिए। ये मेडिसिन खांसी के अंदर में बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर एक्यूट कंडीशन की खांसी है तो आप 5-6 दिन के अंदर में पूरी तरह से ठीक कर देंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो मेडिसिन है वो एंटीब्लड 30। ये मेडिसिन भी कफ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन, खासकर इस तरह की कंडीशन में जहाँ पर खांसते खांसते पेशेंट की आवाज चेंज हो जाती है, गले से आवाज नहीं निकल रही होती है, तो इस तरह की कंडीशन हो उसके साथ साथ में खांसने के बाद में बहुत तेज सांस फूल रही है और ऐसा लग रहा है कि गले के अंदर में म्यूकस है, बलगम है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस तरह के सिम्टम्स है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार कर सकते हैं और कुछ दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद में जो खांसी के लिए एक और मेडिसिन है वो है ब्राइनिया एल्बा 30। ये मेडिसिन भी कफ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और स्पेशली उस तरह के सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर सूखी खांसी हो और उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही हो, मुंह सूख रहा हो, और इसके अलावा कई बार सिर दर्द भी बहुत तेज रहता है, थोड़ा सा मूवमेंट करने से हिलने डुलने से बहुत तेज सिर दर्द होने लगता है, तो उस तरह के कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। एक्यूट के साथ साथ ये क्रोनिक केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर एक्यूट कंडीशन है तो इसकी भी 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, जस्टिशिया एडाटोडा मदरडी। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि गले के अंदर में कफ है और बाहर नहीं निकल रहा है तो उस तरह की कंडीशन में इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इस मेडिसिन को अगर बड़े ले रहे हैं तो 1/2 कप गुनगुने पानी के साथ में 15 बूंद करके दिन में 3 बार कंटिन्यू करते रहना होता है। और अगर छोटे बच्चे हैं या 10 साल से छोटे हैं तो उनको 1/2 कप में 5-10 बूंद कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन मेडिसिन थी जो कि इस तरह के मौसम के अंदर में खासकर एक्यूट कफ हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। कफ के अलावा अगर कुछ और प्रॉब्लम रहती है या
बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से खांसी आ रही है, तो उसके अंदर में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीकी किसी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलकर परामर्श लें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं और होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सको। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में या आपके किसी फ्रेंड्स को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी ये वीडियो देखकर लाभ उठा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।